Hello learners, I am Vinita Pant from Department of Psychology, Uttarakhand Open University, Haldwani. And in today's lecture, we are going to study the second part of MAPSY 502 book of Normal Probability Curve. लास्ट लेक्चर में हमने जाना था कि नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व यानी सामान्य संभाव्यता वक्र क्या होता है, इसकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं, प्रोबेबिलिटी या प्रायिकता क्या होती है, उसके अलावा किस तरीके से जो नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व है उसका रिसर्च वगैरह में इस्तेमाल किया जाता है। आज की कक्षा में हम नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व की कुछ उपयोगिता यानी उनकी एप्लीकेशंस को जानने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से उसका यूज़ करते हुए जो परसेंटेज है या जो लिमिट्स हैं किसी स्कोर्स की वो निकाली जाती हैं। तो आइए शुरू करते हैं। नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व, जैसे आपने पिछली कक्षा में जाना था कि एक बेल शेप का कर्व होता है, एक मैथमेटिकल कर्व होता है और उसकी कुछ अपनी खासियत या उसकी विशेषताएं होती हैं, उनको आपने पिछली कक्षा में जान लिया था। आज हम देखेंगे कि इस कर्व की क्या क्या एप्लीकेशंस होती हैं। तो अगर इसकी एप्लीकेशंस के बारे में हम जानें तो इसमें हम अगर आपको किसी डेटा में यानी मान लीजिए आपने कोई टेस्ट इस्तेमाल किया है तो उसके स्कोर्स आपको दिए हुए हैं तो उन स्कोर्स के मध्य कितने प्रतिशत की जनसंख्या आएगी उनको निकाला जा सकता है। इसके अलावा किसी पर्टिकुलर स्कोर से आगे कितने प्रतिशत जनसंख्या आएगी, उसके पीछे कितने प्रतिशत जनसंख्या आएगी उसको निकाला जा सकता है। इसके अलावा अगर आपको कोई प्रतिशत दिया हुआ है जनसंख्या का तो उसके अंदर उसका जो लिमिट स्कोर है वो क्या आएगा वो निकाला जा सकता है, यानी कि टू डिटरमाइन द लिमिट्स ऑफ गिवन परसेंटेज इन एनी नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो अगर आपको एक डिस्ट्रीब्यूशन है जो ऑलरेडी नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो उसको किस किस तरीके से प्रयोग किया जा सकता है। इसके अलावा हम क्या करते हैं कि सब ग्रुप्स में कैसे एक नॉर्मल प्रोबेबिलिटी वक्र का जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसको कितने सब ग्रुप्स में डिवाइड किया जा सकता है और उसके अंदर हर सब ग्रुप में कितने परसेंटेज ऑफ केसेस आते हैं ये भी हम इसके द्वारा कैलकुलेट करते हैं। तो इसके लिए क्या होता है कि पिछली कक्षा में आपको एक कर्व और उसके अंदर की आपको मैंने डिस्ट्रीब्यूशंस बता दी थी कि पर्टिकुलर जो ये नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व होता है ये सिक्स पार्ट्स में डिवाइड होता है, सिक्स सिग्मा में डिस्ट्रीब्यूट होता है, प्लस थ्री राइट साइड को और माइनस थ्री राइट साइड को लेफ्ट साइड को होते हैं। और उसी के आधार पर जो ये इसका मीन वैल्यू होती है, मीन मीडियन एंड मोड्स बीच में होता है, इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है इसको एक रेफरेंस पॉइंट के रूप में मानते हैं और इस रेफरेंस पॉइंट में से के आधार पर हम एक टेबल होती है उसको देखते हुए इसकी गणना करते हैं। ये जो टेबल होती है कुछ इस तरीके से होती है, इसमें आप देख सकते हैं कि एरिया अंडर नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व क्या होता है ये इस टेबल में दिया गया है। ये एक स्टेटिस्टिकली पहले से बनी हुई टेबल है जिसमें कि यहाँ पे Z स्कोर्स होते हैं, Z मतलब है X माइनस M अपॉन SD और यहाँ पे आपको जो Z स्कोर हैं वो अप टू वन डेसिमल पॉइंट तक दिए हुए हैं, 0.0, 0.1, 0.2 ऐसे करते हुए आगे तक दिए रहते हैं और इस साइड में आप देख रहे हैं कि डेसिमल के दो डिजिट तक के आपको यहाँ पे Z स्कोर्स दिए रहते हैं जैसे कि 0.00, 0.01, 0.02, 0.03। यहाँ पे थोड़ा सा स्लाइड में वेरिएशन आ गया है तो उस वजह से आपको ये खिसका हुआ नजर आ रहा है और आप इसको मैच करके देख सकते हैं कि 0.0 ये है, 0.01 ये है, 0.02 ये है। तो इस तरीके से टेबल बनी होती है और जो टेबल बनी है वो 10,000 का जो डेटा है उसके आधार पे बनी है ताकि इसको परसेंटेज में इजीली डिवाइड किया जा सके। जैसे मान लीजिए अगर आपको मैंने कहा कि नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व में 0.02 का जो सिग्मा है जो पॉइंट जेड स्कोर है उस पे कितने परसेंटेज ऑफ केसेस लाई करते हैं तो आप इसको ऐसे रीड करेंगे कि 0.2 ओनली 0.2 पर कितने हैं 0.793 है, यानी कि इसको हम 7.93 बोल सकते हैं। उसके अलावा अगर मैंने आपको बोल दिया कि 0.015 सिग्मा पे कितने परसेंटेज ऑफ केसेस हैं तो आप देखेंगे 0.1 और 0.5 आप यहां से देखेंगे तो 0.1 और 5 में यहाँ पे आपको दिख रहा है 0.517 यानी कि 5.17 परसेंटेज ऑफ केसेस हैं। तो इस टेबल को देखते हुए इसके आधार पे हम जो एप्लीकेशंस हैं उनको अप्लाई करते हुए क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। इसके लिए मैं जो आपकी MAPSY 502 वाली बुक है उसमें जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं उनको ही आपको बताने वाली हूँ। तो आइए शुरू करते हैं। अगर हम इसके पहले जो उसकी पहली एप्लीकेशन है उसको देखते हैं तो पहली एप्लीकेशन कहती है कि टू फाइंड आउट द परसेंटेज ऑफ केसेस विद इन द लिमिट्स ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। तो अगर आपको पहला क्वेश्चन मैंने कह दिया कि अगर आपको बोला है कि किसी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का मीन जो है वो 30 दिया हुआ है और उसके अलावा उसका जो एसडी है वो आपको 5 दिया हुआ है तो आपको बताना है कि
25 से 35 तक के अंक प्राप्त करने वाले जो स्टूडेंट्स होंगे उनका क्या प्रतिशत होगा। तो अगर मीन 30 दिया हुआ है, तो अगर मैंने आपको जो नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व का जो बताया था, उसमें बताया था कि मीन, मीडियन, मोड तीनों बीच में लाई करते हैं, तो यानी कि 30 जो है वो यहाँ पे लाई करेगा, तो इसके हिसाब से 25 जो है वो कहीं यहाँ पे लाई करेगा और 35 जो है वो कहीं यहाँ पे लाई करेगा। तो अब हमें बताना है कि इसके बीच में कितने प्रतिशत विद्यार्थी आते हैं, तो उसके लिए हमें क्या पता होना चाहिए, जेड स्कोर पता होना चाहिए इस पॉइंट का और इस पॉइंट का। अब हम देखेंगे कि पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, जेड स्कोर निकालना पड़ेगा। जेड स्कोर निकालने का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, जेड इज इक्वल्स टू एक्स माइनस एम अपॉन एस डी। तो उस आधार पे आप क्या करेंगे, जेड इक्वल्स टू लिखेंगे एक्स यानी कि 25 पहले इसके लिए निकालेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 25 माइनस 30 अपॉन 5, तो ये कितना आ गया, माइनस 5 अपॉन 5 इक्वल्स टू माइनस 1 सिग्मा, ये वाला पॉइंट आपका माइनस 1 सिग्मा है। इसी तरीके से 35 के लिए निकालेंगे, तो आपका हो जाएगा 35 माइनस 30 अपॉन 5, जो कि आ जाएगा आपका 5 अपॉन 5 इक्वल्स टू 1 यानी कि प्लस 1 सिग्मा। तो ये माइनस 1 सिग्मा है, ये प्लस 1 सिग्मा है, ये निकल के आ गया। अब हमें देखना है कि माइनस 1 सिग्मा पे क्या परसेंटेज ऑफ वैल्यू आती है, क्योंकि हम रेफरेंस पॉइंट जो मानते हैं वो मीन से मानते हैं। तो ये एक अंडरस्टूड है, ये आपको कर्व में नॉर्मली 1 सिग्मा 2 सिग्मा की वैल्यू जो है वो याद रहती है। तो हम इसको टेबल से भी चेक कर लेते हैं। टेबल से अगर हम चेक करते हैं तो आपको अगर दिखेगा 1 सिग्मा की वैल्यू पे अगर आप देखेंगे 1.0 और यहाँ से भी आप 0.0 को देखेंगे तो 34.3413 यानी कि 34.13% ऑफ केसेस है। तो इसका मतलब हो गया मीन के इधर आपके आ गए 34.13 और इधर भी आ गए आपके 34.13। जिसको भी आपको यहाँ से यहाँ तक पूरा निकालना है तो आप इन दोनों को सम कर देंगे, जो कि आपका निकल के आ जाता है 68.26%, यानी कि 25 से 35% तक के अंक उस परिणाम या उस जो एग्जाम था उसमें पाने वाले जो छात्र हैं उनकी जो परसेंटेज है वो 68.26% है। इसके अलावा अगर हम ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें जो इसी पे बेस्ड है, इसी डेटा पे, तो उस क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि 37 से अधिक अंक पाने वाले जो विद्यार्थी हैं उनका प्रतिशत क्या होगा। अब 37 से अधिक के लिए आपको क्या देखना होगा, यह है मीन यानी कि 30, 37 अंक जो है वो कहीं यहाँ पे लाई करेगा। 37 से अधिक मतलब ये आपका आ गया 37 अंक, तो 37 से अधिक मतलब इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से यहाँ तक क्या होता है 50% होता है, जैसे कि आपको पता है यहाँ 50% लाई करता है, यहाँ पे 50% लाई करता है, ये पूरा 50 होता है। तो हमें पता होना चाहिए कि यहाँ पे कितने प्रतिशत आ रहे हैं, इसका मतलब 50 से जब इसको माइनस कर देंगे तो आपके पास ये निकल कर आ जाएगा। इसको निकालने के लिए आपको ये पता करना पड़ेगा कि यहाँ की सिग्मा वैल्यू क्या है, यहाँ पे कौन सा जेड स्कोर है, ताकि आप इसके प्रतिशत को निकाल सकें। इसके सिग्मा स्कोर को निकालने के लिए आप जो ये 37 नंबर है इससे जेड स्कोर को निकालेंगे, यानी कि जेड इज इक्वल्स टू 37 माइनस 30 अपॉन एस डी यानी कि 5, जो कि इसी डेटा पे बेस्ड है जिसमें कि मीन वैल्यू और एस डी वैल्यू आपको दी हुई थी। तो ये आपका आ गया 7 अपॉन 5 निकल कर आ गया। अब इसके आधार पे आप देखेंगे टेबल वैल्यू, तो टेबल वैल्यू जब आप देखेंगे तो आपने देखा कि 4192 यहाँ पे आ रही है, तो यानी कि 41.92%। अब 41.92% को आप क्या करेंगे, 50 से माइनस कर देंगे, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का 41.92% है। तो आपका जो 37 से अधिक अंक पाने वाले जो विद्यार्थी हो जाएंगे वो हो जाएंगे 50 माइनस 41.92%। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं निम्न वालों के लिए भी। अगर मान लीजिए आप बोल दिया कि 30 से निम्न लाने वाले कितने, सॉरी
20 से निम्न लाने वाले कितने प्रतिशत विद्यार्थी हैं, तो उसके लिए आप इस वैल्यू को, इधर की वैल्यू को निकाल लेंगे सेम तरीके से, जो कि जिसके की जो सिग्मा वैल्यू है वो माइनस में निकल के आएगी। मीन से इधर जब भी आपकी सिग्मा वैल्यू रहेगी वो पॉजिटिव में आएगी, और मीन से इधर जब भी आपकी सिग्मा वैल्यू जेड स्कोर रहेगा वो नेगेटिव में आएगा। तो इस तरीके से आप पहली वाली जो अनुप्रयोग है उसको कर सकते हैं, जिसमें कि आपको मीन और एसडी दिया रहता है, उसके आधार पे आपके जो अंक हैं वो दिए रहते हैं और अंक के मध्य का प्रतिशत आपको निकालना होता है। अब जो हमारा दूसरा अनुप्रयोग होता है उसमें क्या होता है कि आपको प्रतिशत दिया होता है, प्रतिशत के आधार पर आपको लिमिट्स निकालनी होती हैं या स्कोर निकालना होता है। जैसा कि जो पहला प्रश्न है आपका, उसमें लिखा हुआ है कि अगर आपका एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है जिसका कि मध्यमान 50 है और उसका मानक विचलन या एसडी जो है वो 7 दिया हुआ है, यानी कि आपका मीन दिया हुआ है 50 और एसडी दिया हुआ है 7, तो आपको अगर बोला जाता है कि मध्य के 75% यानी कि बीच के 75% जो विद्यार्थी हैं उनकी प्राप्तांक सीमा क्या होगी, यानी कि निम्नतम अंक कितने होंगे और अधिकतम अंक उनके कितने होंगे। तो अगर हम इसको नॉर्मल कर बनाते हैं, ठीक है, तो मीन यहाँ पे दिया हुआ है 50 और एसडी आपको दिया हुआ है मध्य के 75, मतलब मध्य के 75 में कुछ इधर आएंगे कुछ इधर आएंगे, तो 75 को अगर आप डिवाइड कर देते हैं तो आप बोलेंगे कि आधे अंक यहाँ पे आएंगे, यानी कि थर्टी सेवन पॉइंट फाइव परसेंट इधर आएंगे और 37.5% इधर आएंगे, ठीक है, ये आपने डिवाइड कर लिया। उसके बाद हम देखेंगे, अभी हम टेबल को क्या देख रहे थे, लिमिट्स के आधार पे हम परसेंटेज निकाल लेते थे, तो अब हम उल्टा करेंगे, परसेंटेज के आधार पर लिमिट्स निकालने का प्रयास करेंगे। तो 37.5 किस जेड स्कोर पे आता है इसको हम टेबल से चेक करेंगे। तो जब हम इसको चेक करेंगे तो हमने देखा कि 37.08 यहाँ पे दिया हुआ है 37, ठीक है, यहाँ पे जो वैल्यू है इसको हमने यहाँ पे चेक किया कि 3708 यहाँ पे दिख रहा है, 3686 यहाँ पे दिख रहा है, तो जो नियर अबाउट वैल्यू है उसको आप देख लेंगे। तो उसके आधार पे हमने देखा कि यहाँ पे 1.04, ये थोड़ा सा टेबल खिसक गया, अगर आपको उसको बुक से देखेंगे तो सही निकल के आ जाएगा, 1.05 की वैल्यू आ रही है, यानी कि इसको हम लिख देंगे ये हो गया आपकी +1.04 सिग्मा और ये हो गया आपका -1.04 सिग्मा, ये आपके जेड स्कोर निकल के आ गए। अब आपको क्या निकालना है, स्कोर की जो लिमिट है यानी कि एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो पहले जो आप फॉर्मूला यूज कर रहे थे, जेड इज इक्वल्स टू इसमें से आपको एक्स निकाल लेना है, तो जो कि हो जाएगा जेड इंटू एस डी प्लस M। तो अब हमारे पास Z वैल्यू है, तो एक बार माइनस के लिए निकालेंगे एक बार प्लस के लिए निकालेंगे, ये निकल के आ जाएगा आपका -1.04 इंटू 7 प्लस 50 और एक वैल्यू आपकी निकल के आ जाएगी +1.04 इंटू 7 प्लस 50। इसको आप कैलकुलेट करके जो उसके स्कोर्स हैं वो निकाल सकते हैं, जो कि आपका निकल के आ जाएगा करीब 57.28, ये आपका यहाँ पे निकल के आ जाएगा। इसी तरह आप इसको भी निकाल सकते हैं। तो ये हो गया हमारा, जब हमें मध्य की प्रतिशत दिए हुए हैं और उसके आधार पे हमें लिमिट्स निकालनी है। इसी तरीके से अगर आपको अगले क्वेश्चन में ये दे दिया जाए कि निम्न श्रेणी के जो 20% विद्यार्थी हैं उनका क्या होगा, तो उसका भी आप निकाल सकते हैं। निम्न श्रेणी के 20% विद्यार्थी कहीं यहाँ पे निकल के आएंगे 20%, ठीक है, और अगर 20% को हम देखें तो ये पूरा 50 होता है, 50 में से 20 माइनस किया तो ये आ गया आपका 30%। अगर आप 30% के लिए जेड स्कोर निकाल लेते हैं तो उसके आधार पे आप यहाँ पे जो स्कोर है उसकी लिमिट निकाल सकते हैं। तो 30% को हम 30% के लिए हम निकालेंगे कि यहाँ पे कितना जेड स्कोर आ सकता है, तो 30% को आपको यहाँ पे चेक करना होगा, जो कि आपका आ रहा है 2995 पे, 30.23 और 2995 ये दोनों लगभग लगभग इक्वल हैं, आप 2995 को ले सकते हैं, 2 5
तो यार 0.85 के आसपास इसकी वैल्यू आ रही है, 0.84 या 85 आप ले सकते हैं। तो इसके लिए जब हम देखेंगे तो ये आ जाएगा 0 माइनस 0.84 या 85। अगर आप टेबल से चेक करेंगे तो आसपास की यहाँ पे वैल्यू आपको दिखेगी, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा टेबल खिसक गया है। और कुछ वैल्यूज ऐसी होती हैं जैसे कि 29.95 के समथिंग आ रही है, और उसके आगे वाली वैल्यू 30.30 आ रही है, मतलब 5 से कम आ रही है। तो उन दोनों में से आप किसी को भी चूज कर सकते हैं। वैसे आप प्रेफर करेंगे तो जो कम वाला है उसको आप ले सकते हैं। तो फिर इस वैल्यू के आधार पर अब हम एक्स स्कोर निकाल लेंगे। एक्स स्कोर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जेड यानी कि जो हमारा -0.84 है मल्टीप्लाई बाई 7 प्लस 50 कर लेंगे, और इसको कैलकुलेट करने के बाद जो आपकी वैल्यू निकल के आएगी वो आपकी अराउंड 44.12 आएगी। तो यानी कि आपके 44.12 जो मार्क्स हैं उससे कम मार्क्स 20% विद्यार्थी लेकर आए हैं, ये आप इसके जरिए निकाल सकते हैं। तो ये हमारी दो तरह की एप्लीकेशन हमने देख ली कि अगर आपको स्कोर्स दिया हुआ है तो बीच की परसेंटेज आप कैसे निकाल सकते हैं, उसके अलावा अगर आपको बीच की परसेंटेज दी हुई है तो आप कैसे स्कोर की लिमिट निकाल सकते हैं। इसके अलावा एक और जो एप्लीकेशन है वो इसकी है कि एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन आपको दिया हुआ है तो उसको आप सब ग्रुप्स में कैसे डिवाइड कर सकते हैं। तो मान लीजिए अगर आपको एक कक्षा के विद्यार्थियों को सब ग्रुप्स में डिवाइड करना है, तो मैंने बोला कि एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन आपके पास है, ठीक है, 500 विद्यार्थी का समूह आपके पास पहले से है, और उस 500 विद्यार्थी के समूह को आपको 5 उप समूह में यानी कि सब ग्रुप्स में डिवाइड करना है, और आपको बताना है कि हर उप समूह में हर सब ग्रुप में कितने परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स आ रहे हैं। उसके अलावा आपको हर जो सब ग्रुप है उसकी लिमिट भी पता करनी है, ठीक है, तो या नंबर ऑफ स्टूडेंट्स उसमें कितने हैं वो आपको पता करने हैं। तो अगर हम यहाँ पे देखें 5, क्योंकि ये 6 सिग्मा पार्ट्स में डिवाइड होता है लेकिन हमें इसको 5 में डिवाइड करना है, तो एक समूह ये हो गया 2, 1, 2, 3, 4 और 5 निकल के आगे। तो हमारा अगर हम इसको यहाँ पे लिमिट अगर डिवाइड करते तो ये हो गया आपके 5 समूह। तो टोटल कितना होता है, 6 सिग्मा में डिवाइड होता है लेकिन हम इसको 5 में कर रहे हैं, तो हम 6/5 निकालेंगे पहले, जो कि आपका 1.20 आता है। तो अब हम सबसे पहले हमारा जो होता है यहाँ पे -3 सिग्मा होता है, और यहाँ पे आपका +3 सिग्मा होता है। तो -3 सिग्मा में अब हम क्या करेंगे, पहले उपसमूह को मान लीजिए हमने ए मान लिया, दूसरे उपसमूह को बी मान लिया, तीसरे को सी मान लिया, चौथे को डी मान लिया और पांचवे को हमने ई मान लिया। तो पहले सब ग्रुप में आप जब देखेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे -3 सिग्मा है, फिर उसमें आपको एड करना है 1.20 सिग्मा, जो कि निकल के आपका आएगा अराउंड 1.80 माइनस में, ठीक है। तो अब इसके लिए आप प्रतिशत निकालने के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे आपका होता है पूरा 50%, ठीक है, और उसमें से आप क्या करेंगे, यहाँ पे जितना वैल्यू आ रहा है 1.80 का उसको माइनस कर लेंगे 46.41%, जो कि आपका करीब निकल के आ जाएगा 3.59%। तो इस तरह से समूह ए का निकाला, अब यहाँ की वैल्यू हमें पता चल गई 1.80। अब इस तरीके से 1.80 में फिर हम 1.20 प्लस करेंगे तो हमारे क्या निकल के आएगा, बी उपसमूह। तो बी उपसमूह के लिए हो गया -1.80 प्लस 1.20, जिसको कैलकुलेट करने पे हमारी वैल्यू निकल के आएगी -0.60। अब -0.60 की वैल्यू को हम टेबल से चेक कर लेंगे, और उसके बाद उसका प्रतिशत निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर तक का कितना था 46.41%, तो 46.41% में से माइनस करेंगे यहाँ तक की वैल्यू, जो कि है आपकी 22.57%। इसको सॉल्व करने के उनके बाद आपका लगभग निकल के आ जाएगा 23.84%। तो ये आपका बी समूह का निकल के आ गया 23.84%। उसी के बाद आप ऐसे ही सी उपसमूह का निकाल सकते हैं। सी उपसमूह में आप देखेंगे कि यहाँ पर जब जो आपकी वैल्यू थी वो -0.60 है, तो प्लस में जब आप जाएंगे तो यही वैल्यूज पॉजिटिव में रिपीट होती जाएंगी, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा +0.60।
यहाँ पे आपका हो जाएगा प्लस 1.80 और यहाँ पे आपका हो जाएगा प्लस 3 सिग्मा। तो वही वैल्यूज दोबारा से रिपीट होंगी क्योंकि जो परसेंटेज यहाँ पे थी वही परसेंटेज इस साइड भी आएगी, लेकिन आप उसको सेम तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो फिर आपका क्या हो जाएगा, आप यहाँ से यहाँ तक का निकालने के लिए क्या करेंगे, इसमें 20 जैसे आपको निकालना है सी उपसमूह के लिए, तो सी उपसमूह के लिए आप यहां तक की वैल्यू को देखेंगे तो -0.60 प्लस 0.60, इसकी जब हम वैल्यू कैलकुलेट करेंगे परसेंटेज तो वो आपकी आ जाएगी 22.57 जो इस तरफ को थी और 22.57 इस तरफ को थी। तो इन दोनों को प्लस कर दिया तो आपका निकल के आ गया 45.14%। ठीक है, इस तरीके से फिर हम डी उपसमूह की तरफ बढ़ेंगे। तो डी उपसमूह के लिए आपका जो यहाँ पे आया था वही चीज दोबारा से रिपीट होगी, तो यहाँ पे आपका 23.84% आया था और उसके बाद ई उपसमूह जो था आपका उसका यहाँ पे फिर से 3.59% आपका निकल के आ जाएगा। ये हो गया अलग अलग विभिन्न उपसमूह में हमने इसको डिवाइड किया, उसके बाद उसकी प्रतिशत निकाली। अब इसके बाद अगर मैंने बोला आपके पास कुल विद्यार्थी थे 500, क्योंकि 500 बच्चों को आपने डिवाइड करना था, तो हमको बताना है कि हर उपसमूह में कितने विद्यार्थी आएंगे। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट हमें दिया हुआ है 500, तो 500 में से हम एक ग्रुप में विद्यार्थी निकालने के लिए परसेंटेज हमें दी हुई है। तो नॉर्मल हम फॉर्मूला यूज करेंगे कि अगर ए उपसमूह में है हमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं ये निकालना है, तो हम क्या करेंगे परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट इंटू टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट अपॉन 100 कर देंगे। यानी कि फर्स्ट जो उपसमूह था हमारे उसमें जो परसेंटेज थी वो थी आपकी 3.59% इंटू टोटल आपके विद्यार्थी हैं 500 अपॉन 100। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो लगभग लगभग आपका ये 17.95 निकल के आता है, जिसको हम बोल देते हैं कि 18 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स थे। ऐसे ही आप बी उपसमूह के लिए करेंगे। बी उपसमूह में नंबर ऑफ विद्यार्थी निकालने के लिए आप क्या करेंगे, उसकी जो प्रतिशत निकल के आई थी जो कि थी आपकी 23.84 मल्टीप्लाई बाय 500 अपॉन 100 करेंगे, तो ये जो निकल के आएगा वो करीब आपका आ जाएगा 119.20। यानी कि 119 जो स्टूडेंट्स हैं वो आपके बी उपसमूह में थे। ऐसे ही आप सी उपसमूह के लिए भी निकालेंगे, प्रतिशत को 500 से मल्टीप्लाई करके अपॉन 100 करके, ऐसे डी और ऐसे ही ई उपसमूह के लिए भी आप नंबर ऑफ स्टूडेंट्स निकाल सकते हैं। तो ये जो आपकी तीसरी एप्लीकेशन थी ये थी कि अगर एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन आपको दिया हुआ है और उसके आधार पे आपको बोला गया है कि उसको उपसमूह में डिवाइड करिए, तो आपको कैसे करना है। सिमिलर तरीके से आप जो है एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को 3 उपसमूह में भी डिवाइड कर सकते हैं और 4 उपसमूह में भी डिवाइड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम अगर देखते हैं कि 3 उपसमूह में क्या होगा, तो 3 उपसमूह में इसको हम कुछ इस तरीके से बना पाएंगे 1, 2, 3। तो टोटल होते हैं आपके -3 से +3 पे स्टार्ट होता है, -3 से +3 ये पहला होता है और -3 से क्योंकि हमारे 3 है तो 6/3 किया तो ये कितना निकल के आ गया 2। तो हमें दो दो प्लस करते हुए चलना है, तो -3 ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। तो ए जो आपका हो गया -3 +2 यानी कि आपका -1 आ गया। फिर उसके बाद 1 प्लस ये जो 1 आएगा आपका, ये -1 आएगा, सॉरी ये -1 आएगा और ये +1 आएगा। तो इस तरीके से आप देखेंगे तो यहाँ पे आपका -1 +2 इज इक्वल्स टू +1 आएगा। फिर उसके बाद आपका जो इधर वाला पार्ट है +1 आएगा। फिर उसके बाद आप +1 में +2 करेंगे तो आपका +3 आ जाएगा। तो इस तरीके से आपके 3 ग्रुप जो है वो डिवाइड हो गए, जिसकी जो लिमिट्स हैं वो आपको पता चल गई। अब लिमिट्स पता चलने के बाद आप इनके जो प्रतिशत हैं उनको निकाल सकते हैं उसी तरीके से टेबल वैल्यू देखते हुए। और ये पूरा 50 है, 50% से आप 1 की वैल्यू यानी कि आपका 34.13 जो होता है उसको माइनस करेंगे तो आपके लिए ए ग्रुप का निकल के आ जाएगा 15.87% विद्यार्थी। और यहाँ पर 34.13 प्लस 34.13 यानी कि 68.26 आपका यहाँ के लिए निकल के आ जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे भी आपका 15.87%
निकल के आ जाएगा। और वैसे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स निकालने हैं तो आप इन प्रतिशत को 500 से मल्टीप्लाई करके अपॉन 100 करके नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यहाँ पे निकाल सकते हैं। तो आपने देखा कि किस तरीके से जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं उसकी जो तीन अनुप्रयोग होते हैं, पहला जब आपको लिमिट्स दी रहते हैं या स्कोर दी रहते हैं और उनको आपको परसेंटेज ऑफ केसेस नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर निकालना होता है। दूसरे अनुप्रयोग में आपको परसेंटेज ऑफ केसेस दिए रहते हैं और आपको स्कोर्स या लिमिट्स को निकालना होता है। और तीसरे अनुप्रयोग में आपको एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को नंबर ऑफ सब ग्रुप्स में डिवाइड करना होता है। इसके अलावा और भी नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व के एप्लीकेशंस होते हैं। आज की कक्षा में हम इतना ही करेंगे, आगे हम अगली कक्षाओं में अन्य अनुप्रयोग को जानेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।